नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडीह डिस्पेंसरी के समीप 13 अगस्त की देर रात्रि अपराधियों द्वारा विद्यापति के रहने वाले एक व्यक्ति से मोबाइल छीनतई और पैसे नहीं देने पर उसे चाकू मारकर जख्मी करने के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस मामले का उद्भेदन करते हुए DSP हेडक्वार्टर 1 वीरेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त की देर रात्रि विद्यापति गौतम रोड के रहने वाले प्रसन्न कुमार मोबाइल से बात करते हुए बारीडीह अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। इसी बीच बारीडीह डिस्पेंसरी के समीप अपराधियों ने प्रसन्न कुमार को रोका और चाकू के बल पर उससे मोबाइल छीन लिया। इसके बाद उन लोगों ने पैसे की भी मांग की। पैसे नहीं देने पर उन अपराधियों ने प्रसन्न को बाइक में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इसी बीच चाकू लगने से वह लहूलुहान हो गया। अपराधियों ने टाइगर मोबाइल देख उसे छोड़कर फरार हो गए। इस मामले की शिकायत घायल ने सिद्धगोड़ा थाना में की, जिसके बाद पुलिस ने बताए हुए हुलिये के आधार पर छापामारी कर बिरसा नगर के रहने वाले 3 और बारीडीह बाजार में रहने वाले 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में स्वीकार किया कि घटना के दिन वे ही लोग थे जिनकी निशानदेही पर लूटे गए मोबाइल, चाकू, बाइक और अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। एक विद्यापति नगर के रहने वाले प्रसन्न कुमार को सुना है, जो अपने विद्यापति नगर से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे बारीडीह। रास्ते में पैदल जा रहे थे, मोबाइल से बात करते हुए किसी से अपने रिश्तेदार से बात करते जा रहे थे। रास्ते में 4 व्यक्ति बाइक वाले सामने से आए, इनको रुकवा कर उनके पास से मोबाइल छीन लिया। उनके पास से पैसा का मांग कर रहे थे कि पैसा कहाँ है, पैसा जब नहीं मिला पैसा इनको, तो इनको पकड़ करके करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चला करके एक मैदान में करीब रखा गया इनको। करीब 1.5 घंटा तक इनको रख करके मारपीट किया गया। मारपीट करने के दौरान इन्हें जब इंजर्ड हो गए, खून बहने लगा, तो इनका पैंट जो खून लगा हुआ था वो भी अभियुक्तों ने अपने घर से ला करके अपने घर के पास ही अभियुक्त रहते थे, तो इनका पैंट हाफ पैंट को भी बदलवा दिया गया। फिर उसके बाद वहां से लाया गया जब पैसा कि चलो तुम ATM से निकाल कर पैसा दो। ATM के पास से फिर जब लाया जा रहा था तो उसी दौरान इनको मिल गई टाइगर मोबाइल। जो गश्ती में थे टाइगर मोबाइल से मिले, तो टाइगर मोबाइल को देख करके इन्होंने चिल्लाया कि हमको इन लोग पकड़ के ले जा रहा है। तब टाइगर मोबाइल ने तुरंत इन लोग को पीछा किया और पीछा तो उन लोग इनको छोड़ करके प्रसन्न कुमार को छोड़ करके भागने लगे। उसी बीच में टाइगर मोबाइल के द्वारा थाना प्रभारी रंजीत कुमार को फिर सूचना दी गई। इन्होंने अपने पूरा सशस्त्र बल के साथ वहां चारों तरफ से घेरा गया। वहां बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल के आसपास में चारों छिपे हुए थे, तो उसी दौरान सब चारों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम, एक राजा रविदास है, एक बिक्की लोहार है, एक राकेश कुमार सिंह है और एक Y अमर राव है। ये चारों को पकड़ा गया। चारों के पास से एक अभियुक्त के पास से जो लूटा हुआ मोबाइल था वो बरामद हुआ। जो एक चाकू इन लोग के इस्तेमाल किया था वो चाकू को इस्तेमाल बरामद किया गया। इन लोग के द्वारा एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था वो मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। और जो अभियुक्त का जो पैंट था खून लगा हुआ जो इन्होंने बदल दिया था उसको भी बरामद किया गया, और जो पहना हुआ उन लोग का जो दिया था उसे भी बरामद किया गया। चारों की गिरफ्तारी हो गई है। इस संबंध में प्रसून कुमार प्रसून के आवेदन के आधार पर सिद्धौड़ा थाना कांसर 120/21 दिनांक 14/21 लूट का केस दर्ज किया गया है। ये चारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अचानक प्रसून पर ही इन लोग हमला करने के कुछ ऐसे के पहले सर, इस सिंगल आदमी जा रहे थे, रात्रि का समय था, अकेला था, तो इन लोग देखा अकेला पा करके लगा कि इसके पास पैसा होगा, मोबाइल होगा, तो इन लोग अटेंडर में इसकी लूटपाट करने का जो नहीं होगा। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।